हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो सब्जेक्ट सेलेक्शन का जो आपका ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के डैशबोर्ड पे, और बहुत से बच्चों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर भी लिया है, बहुत से बच्चों ने अपॉइंटमेंट भी ले लिया होगा, बहुत अपने स्टडी मटेरियल लेके भी आ गए होंगे, और बहुतों का जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल भी हो गया होगा। ठीक है, तो ये सब चल क्या रहा है एक्चुअल में, एडमिशन का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है, फीस कितनी जानी है आपकी, इन सभी टॉपिक को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे जिनका रिज़ल्ट आ गया है सेकेंड सेमेस्टर का, वो लोग अब मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमारा थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, कितना फ़ीस जाएगा। तो मैं सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स ट्राई करूँगी कि क्लियर कर पाऊँ। बट स्टिल अगर आप में से किसी को कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेरी रह जाए, तो आप लोग मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो सबसे पहले बात आती है कि जो थर्ड सेमेस्टर है हमारा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के, जिनका अभी रिसेंटली सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, तो थर्ड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो आने के बाद अब एडमिशन कब से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी फ़िलहाल जो है ना एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है आप लोगों का, अभी आपका चल रहा है सब्जेक्ट सेलेक्शन का प्रोसेस। अब ये सब्जेक्ट सेलेक्शन का प्रोसेस क्या है, इस बार से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, ये इसी बार ऐसा हो रहा है, इसी सेशन में ऐसा हो रहा है 2024-25 के, कि सब्जेक्ट सेलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है बच्चों को एडमिशन से पहले। ठीक है, तो ये क्या है और क्या इसकी कोई फ़ीस भी जा रही है, फ़ीस कब जाएगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग जो है अपनी स्टडी, जो फर्दर स्टडी है आप लोगों की, वो आप लोग कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, क्या होता था पहले के बच्चे क्या करते थे, पहले के ईयर्स में जब पहले तो रिज़ल्ट आता था, फिर एडमिशन होता था, है ना, और उसके बाद फिर बच्चे स्टडी स्टार्ट करते थे, क्योंकि उसके बाद उनको बुक्स मिलना स्टार्ट होता था। तो ऐसे में काफ़ी टाइम चला जाता था और बच्चों को एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही कम टाइम बचता था। ठीक है, तो इस बार ऐसा किया गया, इस बार क्या हुआ कि सबको पता है सोल में रिज़ल्ट बहुत लेट से आता है, इसलिए इस बार जो है आपको बुक्स पहले प्रोवाइड करवा दिए गए। ठीक है, इसलिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अभी जो आप लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, बहुत केयरफुली सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो यही सब्जेक्ट्स आपको एडमिशन के टाइम पे भी सेलेक्ट करना होगा, और इन्हीं सब्जेक्ट्स की पेमेंट भी जाएगी आपके एडमिशन के टाइम पे। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करके आप लोगों के डैशबोर्ड में यहीं पे ऑप्शन लॉगिन जब कर लोगे, नीचे ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट सेलेक्शन का। ठीक है, बहुत से बच्चों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया होगा, तो बहुत ही ध्यान से जब एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे आप लोग, तो उस टाइम पर जो आप अपने सब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे वो सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। रही बात फ़ीस की, कि फ़ीस कब जाएगी, तो जब आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम पे आपका सब्जेक्ट का फ़ी भी पे होगा, जो जो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया होगा स्टडी मटेरियल के लिए, फ़ीस उसी टाइम पे जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई फ़ी पे नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, फ़ीस कितनी रहेगी, तो जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने एडमिशन के लिए फ़ीस पे किया होगा सेम फ़ीस रहेगा आपका अभी फ़िलहाल थर्ड ईयर में, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर में आपने जो भी फ़ीस पे किया होगा सेम आपका फ़ीस रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर में, जस्ट 200-500 ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अभी देखो, अगर इसके अलावा किसी को कोई भी क्वेरी हो, बीए प्रोग्राम के बच्चे को एक क्वेरी है, हाँ मेरे को मैसेज आया था इनका कि मैम हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, हम स्टडी मटेरियल भी ले आएंगे, अपॉइंटमेंट आ जाएगा, तो लेकिन हमने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है वो हमारे डैशबोर्ड में शो नहीं हो रहा है। मतलब आपका जो ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है, यहाँ से जब आप लॉगिन करते हो स्टूडेंट लॉगिन, तो पहले क्या होता था, डैशबोर्ड लॉगिन करने के बाद आपके सब्जेक्ट जो है ना वो शो होते थे आपके डैशबोर्ड में, कि आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारा सेकेंड सेमेस्टर का तो रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, हमने हमारा सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया है बीए प्रोग्राम के बच्चे, लेकिन हमारे डैशबोर्ड में, या फिर और भी किसी आप कोर्स से हो, बीकॉम प्रोग्राम से हो, बीकॉम ऑनर्स से हो, किसी भी कोर्स से हो,
आप लोगों के डैशबोर्ड में फ़िलहाल जो है सब्जेक्ट शो नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि फ़िलहाल आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म फिल नहीं किया है, ये सिर्फ आपके स्टडी मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ताकि आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर पाए। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने किया है अभी, ठीक है, ये आपके पास सब्जेक्ट तब शो होगा जब आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर लोगे, उसके बाद आपके पास आपका सब्जेक्ट शो होगा, फ़िलहाल शो नहीं होगा। ठीक है, जो थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं सेम ही बताऊंगी। फ़िलहाल फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया नहीं है, आप लोगों का भी जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं बता दूंगी आपका क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में भी क्लियर कर दूंगी। फ़िलहाल जो है ये थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ध्यान से सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिएगा, आप जो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो ध्यान से कीजिएगा, ताकि एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। एडमिशन के टाइम पे जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करो तो सब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, सोल के चक्कर लगाते रह जाओगे। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया है कि आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ, बट स्टिल किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वायरी हो, कुछ पूछना हो, आप लोग मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। बट जिन बच्चों के ER आ गए हैं, ठीक है, या किसी का फॉर्म, किसी के उसमें फेल शो हो रहा होगा, किसी को अब्सेंट शो हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ गई है बच्चों को रिज़ल्ट पे, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि जिन बच्चों का ER आया है उनको कैसे क्या फॉर्म फिल करना है, कब फिल करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, मैं एक्सप्लेन्ड वीडियो बना दूंगी एक। ठीक है, तो अब क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं, ठीक है, और आप लोगों ने सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लिया होगा, तो हमारे टीम की तरफ से जल्द ही आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के सिलेबस और क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। निक्की मैम के थ्रू आपके कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस और क्लासेस प्रिपेयर करने स्टार्ट करवा दिए हैं मैंने, निक्की मैम ने भी स्टार्ट करवा दिए हैं। कुछ फैकल्टीज़ हम हायर करवा रहे हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए, अगर फैकल्टीज़ मिल जाते हैं तो जल्दी ही हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों के लिए क्लासेस भी प्रोवाइड करवा पाएँ, जो थर्ड सेमेस्टर के BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स और भी बहुत सारे कोर्सेज के बच्चे हैं उनकी क्लासेस जल्दी ही मिल जाएंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थर्ड सेमेस्टर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि फर्दर जो भी क्लासेस मिले वो आप लोग टाइम टू टाइम वहाँ से कलेक्ट कर पाओ। बाकी अगर किसी सब्जेक्ट की क्लास आप लोग चाहते हो या सिलेबस चाहते हो तो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि मैम इस सब्जेक्ट का सिलेबस प्रोवाइड करवा दीजिए या फिर क्लास प्रोवाइड करवा दीजिए, तो निक्की मैम से मैं बोल के आप लोगों के लिए उस सब्जेक्ट का क्लास या सिलेबस अरेंज करवा दूँगी। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। बाकी फ़िलहाल निक्की मैम के थ्रू आपको कोर साइंस और हिंदी वगैरह की क्लासेस प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, आपको कोई और चाहिए हो तो बता दीजिएगा हमें। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।